पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन अपनी धर्मपत्नी के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी के ऊपर कई सारे आरोप लगाए और दिल्ली वालों को कहा कि वो भी घर से निकलें और मतदान करें। आपको बता दें कि आज सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक मतदान चल रहा है। आप भी अपना मतदान करने के लिए पहुँचे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जो है यहाँ पर वोटिंग करने के लिए पहुँचे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी है, वो भी यहाँ पर पहुँच रही है। और उन्होंने एक बार फिर से वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि किस तरीके से एमसीडी में पिछले 15 सालों से सत्ता पर बैठी बीजेपी किस तरीके से काम कर रही है और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के ऊपर उन्होंने जमकर कसास कसी। सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन आप भी अपना मतदान डालने जरूर जाएं। किसी भी प्रत्याशी को वोट दें, लेकिन अपना वोट जरूर दें। आरसू न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन विनोद के साथ नादरा साहिन की ये रिपोर्ट। वही सोच के निकला है, आपको पता है कि किस मुद्दे पर से वोट डाल रहा है? एक मिनट एक मिनट, करो करो करो। बहुत समझदार होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के मतदाता बाहर भी निकलेंगे बड़ी संख्या में, विशेषकर युवा भी बाहर निकलेंगे, हमारी माताएं बहनें भी निकलेंगी और दिल्ली के मतदाता जो पार्टी सबसे ज़्यादा ईमानदारी से अपना राष्ट्र धर्म, अपना समाज धर्म, अपना मानव धर्म पालन करती है उसको मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पार्टी राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र के विकास के मुद्दों को लेकर भारत को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है, उसके पक्ष में निश्चित रूप से वोट करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप तो हमारे हो ना, पीछे तो रही लाइट जा रहा है। दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति मिले, दिल्ली में यमुना मैया साफ और निर्मल हो, दिल्ली शराब की राजधानी ना बने, दिल्ली में गरीब लोगों की झुग्गियों के स्थान पर उनके लिए मकान बने और दिल्ली और सुंदर बने। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के लोग ये नहीं चाहते कि दिल्ली के अंदर भ्रष्ट लोग, ऐसे लोग जो राजनीतिक मूल्यों के नाम पर सत्ता में आए और सबसे अधिक जिन्होंने राजनीतिक मूल्यों को समाप्त भी किया है, उनको पूरी तरह से नष्ट किया है, वो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े पहाड़ों पर बैठे हैं, कोई जेल में है, किसी की आधा दर्जन बार बेल रिजेक्ट हो चुकी है, किसी के साथियों के खिलाफ हजारों पेज की चार्जशीट सीबीआई के द्वारा दर्ज की जा रही है, किसी पार्टी के 49 विधायकों के ऊपर 169 भ्रष्टाचार के केस पिछले 7 साल के अंदर दर्ज हो गए हों। ये सारी बातें दिल्ली की जनता बहुत गहराई और गंभीरता से देख रही है। उसने पिछले 15 साल में एमसीडी के एनर्जी के अंदर हज़ारों जो है टिपर जो है वो सैकड़ों घरों के अंदर जो है सुबह सुबह कूड़े को उठाते हैं। मैंने इतने वर्षों में इतना बेहतर काम नहीं देखा कि अधिकांश क्षेत्र जो है वो ढलाव मुक्त हो गए हों, सैकड़ों कॉम्पैक्टर जो है घर घर लग गए हों, कूड़े के जो ढेर तीन जगह पर होते थे वो उनकी ऊँचाई 20 मीटर कम हो गई हो। दिल्ली में जो सरकार है वो कूड़े के ढेर की बात तो कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचार के जो पहाड़ बड़े बड़े जिन पे पीछे करो, किसी पहाड़ के ऊपर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री बैठे हुए हैं, किसी पहाड़ के ऊपर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं और सबसे बड़े पहाड़ के ऊपर तो शायद भ्रष्टाचार के जो कि नेतृत्व कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। आपको याद होगा कि जब हवाला डायरी में
हमारे दिल्ली के मदन लाल खुराना जी और हमारे नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम आया था, तो एक मिनट के अंदर उन दोनों ने, एक ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से और एक ने पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि जब तक हमारा नाम क्लियर नहीं होगा तो हम वहाँ वापस नहीं लौटेंगे। और यहाँ आप दूसरी तरफ उदाहरण देख लीजिए कि आज हमें दुख होता है ये जानकर कि जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री 6 महीने से जेल में है, 6 बार उनकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है, सैकड़ों करोड़ के उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की केस है। मैं समझता हूँ कि दिल्ली के लोग ये घर घर शराब पहुँचाने के लिए, दिल्ली के लोगों ने जो हमारी माताओं बहनों की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, नौजवानों को बर्बाद करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए, शराब की राजधानी बनाने के लिए दिल्ली के अंदर लोगों को सरकार बनाकर नहीं दी है। लोगों के सामने एकदम स्पष्ट है सारी चीज़। और कोई भी समझदार आदमी, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से लगातार, देखिए दिल्ली में सरकार तो थी इस पार्टी की 2015-17 में भी, तब भी MCD के अंदर जो है इनकी सारी करतूतों को देखकर क्या कर दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया और लगातार 2007 में, 2012 में, 2017 में जिताया। अगर हम अच्छा काम ना कर रहे होते तो दिल्ली में हमारे 7 में से 7 सांसद लंबे समय से ना जीते होते। तो दिल्ली के लोगों के सामने जो फैसला करना है वो, इसके लिए सारी बातें बहुत स्पष्ट हैं। मैं फिर से अपील करूँगा कि दिल्ली के लोग, वो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े पहाड़ों पर बैठे हैं, कोई जेल में है, किसी की आधा दर्जन बार बेल रिजेक्ट हो चुकी है, किसी के साथियों के खिलाफ हजारों पेज की चार्जशीट CBI के द्वारा दर्ज की जा रही है, किसी पार्टी के 49 विधायकों के ऊपर 169 भ्रष्टाचार के केस पिछले 7 साल के अंदर दर्ज हो गए हों, ये सारी बातें दिल्ली की जनता बहुत गहराई और गंभीरता से देख रही है। उसने पिछले 15 साल में MCD के शासन में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए अच्छे कामों को देखा है। वो दिल्ली में जब 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस सरकार का भी काम उसने देखा है। और आज पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत का नाम देश और दुनिया में रोशन किया है, देश को एक असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, देश के अंदर समाज जीवन के हर क्षेत्र के लिए, हर व्यक्ति के लिए, गरीब मजदूर किसान महिला नौजवान बुज़ुर्ग सबके स्वाभिमान के लिए काम किया है। और कोई समाज जीवन के अंदर कोई ऐसा वर्ग, कोई क्षेत्र नहीं है जहां प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों के द्वारा करोड़ों लाभार्थियों की लंबी एक सूची ना हो। तो मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, अपने विवेक का इस्तेमाल करेगी, बड़ी संख्या में घर से बाहर निकलेगी और जब यहां आएगी तो निश्चित रूप से देश हित के अंदर, समाज हित के अंदर, मानव हित के अंदर वो वोट करेगी। इतना ही मुझे आज सबसे कितनी सीटें देख रहे हैं, जोरों शोरों से दिख रहे हैं, क्या कूड़ा कचरा साफ सफाई की बात नहीं होगी चुनाव? कूड़ा कचरा गंदगी जो है दिल्ली में, कूड़ा कचरे की कूड़े, देखिए ये दिल्ली के अंदर MCD ने शायद जितना अच्छा काम कूड़े के मसले पर किया है, आज दिल्ली का 70-80% कूड़ा जो है वो वेस्ट टू वेल्थ में परिवर्तित होता है, एनर्जी के अंदर हज़ारों जो है टिपर जो है वो सैकड़ों घरों के अंदर जो है सुबह सुबह कूड़े को उठाते हैं। मैंने इतने वर्षों में इतना बेहतर काम नहीं देखा कि अधिकांश क्षेत्र जो है वो ढलाव मुक्त हो गए हों, सैकड़ों कॉम्पैक्टर जो है घर घर लग गए हों, कूड़े के जो ढेर 3 जगह पर होते थे वो उनकी ऊंचाई 20